उत्तर प्रदेश पीएससी 2021 के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए जो यूपीए स्पेसिफिक पोर्शन है, याद रखिएगा, जो यूपीए स्पेसिफिक पोर्शन है कि जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रीलिम्स में भी अगर आप क्वेश्चन का नंबर देखें तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बढ़ा है, साथ ही साथ मेन्स में भी बढ़ा और लगभग 40 मार्क्स का मेन्स में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आया इस बार। तो उत्तर प्रदेश के प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूपीए स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसके लिए हमने एक कोर्स निकाला है छोटा सा। ये कोर्स लगभग 13 आवर्स का है और इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे कौन, आपको पढ़ाएंगे नीरज। नीरज दुबे ने उत्तर प्रदेश का 2018 का मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था और साथ ही साथ अभी बीपीएससी का भी मेंस दिया है और नीरज की टीचिंग स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ ये आपको सारे नोट्स जो हैं वो हाथ से लिख के अपने से देंगे। पूरा प्लान है लगभग 13 आवर्स का, ये आपके नोट्स का वो बताया हुआ है कि कैसे कैसे कितने घंटे किस किस लेक्चर में देना है और ये प्रोग्राम जो है आपके प्रीलिम्स के थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाएगा और आपको आराम से 1 महीना या उससे ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा। मेंस और प्री दोनों में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं और आप आराम से आंसर भी मेंस का लिख पाओगे अगर यूपीए स्पेसिफिक आया तो। ये नोट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे और ये बहुत हाई क्वालिटी नोट्स हैं, आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग वगैरह है ना। अगर आप देखना चाहें तो एक बार मैं आपको सरसरी निगाह से दिखाता हूँ, तो इस तरह की इनकी हैंड राइटिंग है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है। तो ये कोर्स हमने प्रिपेयर किया हुआ है नीरज की मदद से, है ना। साथ ही साथ आप इस कोर्स में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे एक स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री मिलेगी और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप हमेशा जब तक आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम चल रहा है, इंटरव्यू तक चल रहा है, तब तक आपको हम अपने लेवल पे जो एक मेंटोरशिप होती है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, नोट्स भी कंप्लीट देंगे, लगभग 70 पेज के नोट्स होंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपकी जो है मौजूदगी बनी रहेगी एग्जाम तक आराम से, वो कभी जो है ग्रुप खत्म नहीं किया जाएगा, आपको मेंटरशिप पूरे एग्जाम के प्रोसेस में मिलती रहेगी। मैंने भी इंटरव्यू दिया है, नीरज ने भी इंटरव्यू दिया, तो यू विल गेट हेल्प मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी फीस तो 500 से भी कम है, बाकी 18% जीएसटी और टैक्सेस वगैरह मिला के टोटल 20% है। इसकी टोटल फीस ओनली 600 है, ओनली 600 में ये पूरा है। और आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ से कोर्सेज ऑफ आईएएस कॉरिडोर नाम की एक पीडीएफ खुलेगी, उस कोर्सेज ऑफ आईएएस कॉरिडोर में एक उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक वाला भी कोर्स होगा, उस पेज को देखिए और वहाँ पे ज्वाइनिंग का है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर मेल आएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह और क्लासेज के लिंक के लिए। जो क्लासेज होंगी वो रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, है ना, वो हमारे विमियो के प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा जिसका हम आपको पासवर्ड देंगे, आप कभी भी इसको देख सकते हो एग्जाम तक आराम से, वैलिडिटी आपकी पूरी बनी रहेगी एग्जाम के दौरान, मतलब इंटरव्यू तक बनी रहेगी। और अगर आपको ज्वाइन करने के 24 आवर्स के अंदर मान लीजिए कि मेल नहीं आया ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो प्लीज़ आप 8340118519 ये नंबर है, इस पर टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ अपना एडमिशन का, या फिर इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। याद रखिएगा कॉल ना करें, टेलीग्राम या व्हाट्सएप करें, आपको ग्रुप में जो है एंट्री दे दी जाएगी। तो यही प्रोसेस है, मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है पूरे एग्जाम के प्रोसेस तक और साथ ही साथ ये आपके नोट्स और आपके लेक्चर्स भी हैं जो कि नीरज कंडक्ट कराएंगे और मैं भी साथ में ग्रुप में रहूँगा मेंटरिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच। आगे इस वीडियो में अब आप नीरज का एक सैम्पल लेक्चर है, आप उसको देख लीजिए ताकि आप फेयर डिसीजन ले पाए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, कम टाइम है, सो डू इट ASAP अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है। थैंक यू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। UPPCS 2021 के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए IAS कॉरिडोर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो वीडियो लेक्चर्स आप लोग को यूपी स्पेशल के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश के फिजिकल रीजंस और उन फिजिकल रीजंस के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो UPPCS मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, डिवाइड उत्तर प्रदेश इंटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन्स। उसके बाद से इस टॉपिक से जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और आगे जो है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के जो है प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू यूपी के जो भी फिजिकल जो है रीजंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे, अगर हम लोग बात करें यूपी के नॉर्दर्न सेक्टर में, तो आप देखते हैं कि यूपी का जो बॉर्डर है
और नॉर्दर्न सेक्टर में नेपाल से, देन आपका उत्तराखंड से, और देन हिमाचल प्रदेश से टच होता है। उसके बाद से अगर हम लोग वेस्ट सेक्टर में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो राजस्थान से, उसके बाद से दिल्ली से, और देन हरियाणा से टच होता है। उसके बाद से अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करें तो यूपी का जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बिहार स्टेट से और झारखंड स्टेट से टच होता है। और अगर हम लोग बात करें साउदर्न जो है सेक्टर में, तो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो साउदर्न सेक्टर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से टच होता है। उसके बाद से अगर फिजिकल हम लोग रीजन्स की बात करें तो यूपी के नॉर्थ सेक्टर में जो है आपका भाबर और तराई रीजन जो है पाया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद से जो है गंगा और यमुना प्लेन्स, उसके बाद से सबसे साउथ में जो है आपका डेक्कन प्लेटू का जो है पोर्शन है, जो आपका बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में है जो आपका विंध्याचल माउंटेन्स और जो है कैमूर माउंटेन्स है। तो ये जो है आपका फिजिकल जो है रीजन्स हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद से हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक है इसमें उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अगर फैक्ट्स की बात करें तो आप लोगों से जो है उत्तर प्रदेश का जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखेंगे कि 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ से लेके 31 जो है आपका डिग्री 28 मिनट्स नॉर्थ तक है, और इनके बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस डिफरेंस को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका वो है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 84 डिग्रीज 39 जो है मिनट्स ईस्ट, और इसका भी आप लोग जो है डिफरेंस जो है या टोटल एक्सटेंट कहें वो याद रखेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है आपका सहारनपुर। अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है आपका बलिया। अगर हम लोग साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सोनभद्र, एंड देन वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर हम लोग तो ये होगा आपका शामली। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका एरिया जो है उत्तर प्रदेश का वो है आपका 240,928 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है एरिया है वो इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 7.33% है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। और एरिया वाइज इंडिया में जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है वो क्या है, फोर्थ है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब जो है उत्तर प्रदेश जो है 8 स्टेट्स और एक जो है आपका यूनियन टेरिटरी उसके बॉर्डर्स को टच करता है, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को टच करता है तो आप जानेंगे 9, और अगर सिर्फ स्टेट्स की बात की जाए तो 8 स्टेट्स को जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है टच करता है। अब ये जो स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा था डायग्राम में कि अगर नॉर्थ में बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश जो है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है यूपी के साथ स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। देन उसके बाद से उत्तराखंड जो है यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद से वेस्टर्न बाउंड्री जो है दिल्ली को टच करती है। उसके बाद से हरियाणा हो गया, जो आपके यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हरियाणा को टच करते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को जो है आपका यूपी के आगरा और मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करते हैं। साउथ में जो है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है आपका 11 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के उनको टच करता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से छत्तीसगढ़ हो गया आपका। उसके बाद से जो है ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ईस्टर्न बाउंड्री में जो है आपका बिहार और झारखंड आता है। नेक्स्ट जो है आपका उसके बाद से जो है नेक्स्ट जो है यूपी जो है नेपाल के बॉर्डर को टच करता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर,
बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और उसके बाद से पीलीभीत। थोड़ा सा अगर इनोवेशन के साथ क्वेश्चंस अगर वो लोग बनाएंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके उनको ईस्ट टू वेस्ट जो है अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो मैंने जैसे आप लोग को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर किया है वैसे ही आप लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट उसके बाद से बिहार के साथ जो है यूपी के 7 जो है डिस्ट्रिक्ट्स टच होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उसके बाद से जो यूपी का लार्जेस्ट जो एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका लखीमपुर खीरी। उसके बाद से जो है सेकंड पोजीशन पे सोनभद्र। तो एटलीस्ट आप लोग दो याद रखिएगा कि कभी अरेंज करने के लिए आ जाए क्वेश्चंस तो आप लोग इजीली अरेंज कर सकें। उसके बाद से लिस्ट एरिया हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का है और उसके बाद से जो है सेकंड पोजीशन पे गाज़ियाबाद। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो NCR में इंक्लूडेड हैं। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो है NCR में इंक्लूडेड हैं उत्तर प्रदेश के। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर और उसके बाद से आपका मुजफ्फरनगर। और इन जो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका जो टोटल एरिया है वो भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभार ये लोग जो है एक्सट्रीम फैक्चुअल डेटा पे जाते हैं तो इस तरह के फैक्ट्स ये लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है 4 स्टेट्स के बॉर्डर को टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उसके बाद से ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश से 3 साइड से जो है सराउंडेड है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वो आपस में जो है यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। और जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है और जो उनका नंबर है वो कितना है, 9। नेक्स्ट जो है अब हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से जो भी फिजिकल डिविजन्स हैं और उनके फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था उत्तर प्रदेश को जो है आपके 3 नेचुरल रीजन्स में या फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ये है आपका पहला भाबर एंड तराई, सेकंड जो है आपका गंगा यमुना प्लेन्स और जो थर्ड है आपका जो साउदर्न पार्ट में है वो है आपका डेक्कन प्लेटू रीजन। तो 1 by 1 इनके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि 2000 में जो है उत्तर प्रदेश के जो है 13 जो है हिली डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको काटकर जो है उत्तराखंड बनाया गया था। तो इस तरह से जो भी माउंटेनियस रीजन्स थे उत्तर प्रदेश के वो क्या हो गए, उत्तर प्रदेश से सेपरेट हो गए, वो सारे चले गए कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाबर और तराई रीजन और उसके फीचर्स के बारे में जो कि आप लोगों का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। अगर हम लोग भाबर रीजन के जो है फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो है डिस्ट्रिक्ट से लेके वेस्ट में जो है सहारनपुर वहाँ से लेके ईस्ट उत्तर प्रदेश के ईस्ट पोर्शन में जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट तक जो है फैला हुआ है। उसके बाद से जो है आपका जो भाबर रीजन होता है उसमें जो भी हिमालयन रिवर्स हैं वो आने के बाद वहाँ भाबर रीजन में क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं और जो है तराई रीजन में वो क्या होती हैं, फिर री इमर्ज होती हैं। उसके बाद से जो है आप लोगों को पता है कि भाबर रीजन जो है स्टोन और जो है आपके बोल्डर्स हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं उनसे बना होता है। और जब रिवर्स इस भाबर रीजन में आती हैं तो कुछ जो है आपका कुछ लैंड फॉर्म्स जो है क्रिएट होते हैं जैसे कि एल्यूबियल फैंस हो गए, फिर उसके बाद से एल्यूबियल कोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जनरल स्टडीज़ के जो है सिलेबस में भी पढ़ा होगा जब आप लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे होंगे। उसके बाद से अगर भाबर रीजन के नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो भाबर रीजन जो है वो जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर जो है
34 किलोमीटर जो एवरेज जो है विड्थ इसका है 34 किलोमीटर्स, और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो ये जो आपका विड्थ है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो एक ये फीचर हो गया बाबर रीजन का। उसके बाद से अगर हम लोग बाबर रीजन के बाद जो होता है तराई रीजन, अगर तराई रीजन की बात करें तो ये जो है बाबर रीजन के जो है साउथ में होता है, और ये जो है तराई रीजन जो पूरा है बना हुआ है आपका जो एल्यूबियल जो सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है, उससे बना है। और ये जो है जो इसका नेचर होता है इस लैंडफॉर्म का वो मार्सी नेचर होता है। और जो है अभी जो है यूपी में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए तराई रीजन जो है वहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। नहीं तो एक टाइम था कि 80-90 किलोमीटर जो होता था ना विड्थ में, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते थे तराई रीजन में। और अगर हम लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करें, अगर इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं, तो एक हो गया आपका वीट, राइस, शुगर केन और जो। उसके बाद से जो है ये जो पूरा आपका जो है तराई रीजन है उसकी फर्टिलिटी जो है ज़्यादा है, और इस पर्टिकुलर रीजन में जो है यूपी में जो क्रॉप्स का जो होता है रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है, तो इसको भी आप लोग जो है फीचर्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से जो है आपका ये जो टोटल जो यूपी का जो है ये वाला पोर्शन जो तराई पोर्शन है वो जो है डिपोजिशनल जो है आपका सॉइल से बना हुआ है। और अगर आप बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बाबर रीजन जो है और उसके बाद से जो डेक्कन का रीजन है उसमें ही जो है आपका इस तरह का लैंडफॉर्म नहीं पाया जाता है। जो आप देखेंगे कि पूरा जो है गंगा यमुना प्लेन्स उत्तर प्रदेश में है, तो इस डिपोजिशनल जो है सॉइल के वजह से ही जो है जिसको हम लोग एल्यूबियल सॉइल कहते हैं, जो हर साल जो फ्लड्स आते हैं उसकी वजह से जो है आता है, उसमें जो है ये जो क्रॉप्स हैं इनकी फर्टिलिटी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और इन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो जो है आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड हाई होता है। और अगर आप रिसेंट जो है ईयर्स में देखेंगे तो पिछले जो है साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो चाहे राइस का हो, वीट का हो या शुगर केन का हो, तो ये जो पर्टिकुलर जो रीज़न है तराई वाला आपका इसमें ही होता है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग गंगा यमुना प्लेन्स के फीचर्स के बारे में बात करें तो गंगा यमुना प्लेन्स जो है इसको जो है आपको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। इसमें जो है आपका जो पहला है अपर जो है आपके प्लेन्स है जो गंगा यमुना का, ये जो है आपका एरिया पड़ता है जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश के उसमें पड़ता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो जो मिडिल प्लेन्स हैं गंगा यमुना प्लेन्स के जो मिडिल प्लेन्स है, ये एरिया जो है आपका लखनऊ रीजन है उसमें पड़ता है, लखनऊ रीजन और इसके आसपास के जो रीजन्स हैं। उसके बाद से अगर ईस्टर्न प्लेन की बात करें गंगा यमुना के, तो ये जो वाराणसी रीजन है और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पड़ता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका जो गंगा यमुना प्लेन जो है पूरा जो है बना हुआ है आपका जो भी रिवर्स हैं हर साल जो फ्लड्स आते हैं उसके जो है एल्यूबियल जो है आपके डिपॉजिट्स होते हैं उससे बना हुआ है। और जो है आपका एवरेज जो डेप्थ कह सकते हैं आप इस पर्टिकुलर जो है आपका डिपॉजिट का वो होता है आपका 300 मीटर्स है। नेक्स्ट जो है आपका और ये जो गंगा यमुना प्लेन्स वाला जो आपका फिजिकल रीजन है, तो अगर इसके जो है आप ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में ये जो है वेस्टर्न पार्ट में जो है नॉर्थ टू साउथ जो है ओरिएंटेशन है। और अगर हम लोग बात करें पूर्वांचल रीजन की तरफ, तो पूर्वांचल रीजन की तरफ जो ओरिएंटेशन है इस गंगा यमुना प्लेन्स का वो है आपका नॉर्थ जो है वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी इस तरह के फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे। और जब अगर गंगा यमुना प्लेन्स के फीचर के बारे में बात की जाएगी तो इसको हम लोग को जरूर लिखना है। अब जो ये पर्टिकुलर रीजन है आपका, उसके अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो गंगा यमुना प्लेन्स जो है वो 500 किलोमीटर्स में जो है फैला हुआ है। और उसके बाद से अगर इसके विड्थ की बात करें तो इसका जो विड्थ है वो 80 किलोमीटर्स है। तो ये भी आप लोग को फीचर्स में लिखना है।
और इसका जो फैक्चुअल डेटा है वो भी आप याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट जो है आपका जो पूरा रीजन है गंगा यमुना प्लेन्स का, वो उसमें जो है राबी और खरीफ के जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारे उगाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो गंगा यमुना प्लेन्स है उसका एक जो फीचर है फ्लड्स, जो कि हम लोग सेपरेट एक वीडियो लेक्चर में पूरा फ्लड्स कवर करेंगे, उसमें हम लोग जो है इस पर्टिकुलर गंगा यमुना रीजन्स में वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे जिनमें फ्लड्स आता है। लेकिन अगर आपको जो है फीचर्स लिखना होगा इस गंगा यमुना प्लेन्स में, तो आप फ्लड्स को जरूर मेंशन करेंगे कि जो ये फिजिकल रीजंस होता है उसमें उत्तर प्रदेश में क्या होता है फ्लड्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड एंड लास्ट जो है डेक्कन प्लेटू रीजन है, ठीक है। और जो डेक्कन प्लेटू रीजन है ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है रीजन उसके अंदर में आता है। उसके बाद से ये जो आपका डेक्कन प्लेटू रीजन है उत्तर प्रदेश का, वो पेनिनसुलर जो है प्लेटू का पार्टी है, जो कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद से अगर इसके एलिवेशन की बात करें तो इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 300 जो है मीटर्स है, बट कहीं कहीं पर जो है आपको 450 मीटर्स भी एलिवेशन देखने को मिलेगा। और ख़ासकर जो है कैमूर हिल्स हैं और शोनकर हिल्स हैं वहाँ तो 600 मीटर्स तक भी एलिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद से जो है अगर आप यहाँ पे बात करें तो विंध्यन रॉक्स, जो कि हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, विंध्यन रॉक्स जो है, उसके बाद से सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंड स्टोन, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर रीजन में जो हैं पाई जाती हैं। उसके बाद से इसका जो ओरिएंटेशन है, इस पर्टिकुलर रीजन का ओरिएंटेशन है जो साउथ से जो है नॉर्थ है, तो इस ओरिएंटेशन को भी आप लोग याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से ये जो आपका रीजन है यहाँ से चंबल, केन, बेतवा, शोन, टोन्स, ये सारी रिवर्स जो हैं साउथ से जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं, और इसमें से सारी जो रिवर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में भी फ्लो करती हैं। उसके बाद से ये जो आपका रीजन है डेक्कन प्लेटू रीजन है, यहाँ पे जो है लो रेनफॉल होता है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट आता है, हर साल आता है। और इसके लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसको कि जब हम लोग फ्लड्स और ड्रॉट जो है एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे तो उस टाइम हम लोग उन सभी जो है प्रोग्राम्स को डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है एक वेजिटेशन पाया जाता है जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, जिसको क्लास ग्रास कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिसका जो हाइट होता है बहुत ही कम होता है। उसके बाद से अगर यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन्स में मिलेट्स, ग्राम्स, उसके बाद से वीट हो गया आपका, और मेज जो है ये सारे क्रॉप्स जो हैं उगाए जाते हैं। तो ये रहा जो है उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न और उसके जो है जियोग्राफिकल फीचर्स। अब इस जो है लेक्चर में आप लोग जो है प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह के जो है क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और जो मेंस एग्ज़ाम है उस पर आप उसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है लास्ट ईयर आपसे तराई और बाबर रीजन के जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट हो सकता है बुंदेलखंड या गंगा यमुना प्लेन्स के फीचर्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।